नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल परफेक्ट प्रिपरेशन में। 2 जुलाई 2019 की प्रमुख समाचार में ये सारे समाचार दैनिक जागरण और अमर उजाला से लिए गए हैं, जिसमें शामिल है यूपीपीएससी, एलटी ग्रेड, पीसीए 2018, पीसीजे 2018, यूपी बोर्ड 2020 और अन्य प्रमुख खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जानने के लिए, जिसमें शामिल है यूपीपीएससी, एलडी ग्रेड, पीसीएसजे, पीसीएस, यूपी बोर्ड, इन न्यूज़ की जानकारी चाहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह यादव की हो गई है विदाई। विवादों से भरा रहा था उनका डॉक्टर अनिरुद्ध का कार्यकाल और आज से कार्यभार संभालेंगे प्रभात कुमार। विवादों से भरा था डॉक्टर अनिरुद्ध का कार्यकाल, ये प्रमुख विवाद आप इसमें देख सकते हैं। आरओ एआरओ 2016 पेपर लीक का मामला, पीसीए 2017 मुख्य परीक्षा पेपर लीक का मामला, सुहासिनी वाजपेयी की कॉपी में बदलाव, एपीएस परीक्षा भर्ती 2010 का मामला, कोर्ट में लंबित होने के बावजूद परिणाम जारी करना, पीसीएस 2016 प्रारंभिक परीक्षा में गलत प्रश्न को लेकर कोर्ट में परिणाम संशोधित करने का आदेश देना, पीसीएस 2017 प्रारंभिक परीक्षा में गलत प्रश्न होने पर न्यायालय द्वारा परिणाम संशोधित करने का आदेश देना, पीसीएसजे 2018 की संशोधित उत्तर कुंजी नहीं जारी करना व आनन फानन में साक्षात्कार कराना, स्वयं की शैक्षिक योग्यता को राज्य सरकार के आदेश के बाद भी सूचना अधिकार के तहत ना देना, मामला सभी राज्य सूचना आयोग में लंबित है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का पेपर लीक मामला, ये सारे विवाद डॉक्टर अनिरुद्ध के कार्यकाल में हुए। डॉक्टर प्रभात कुमार ने अपने साक्षात्कार में कहा कि अब न्यूनतम समय पर हुआ करेंगी भर्तियां, एक प्रश्न के जवाब भर्ती प्रक्रिया में बहुत समय लग रहा है, इस पर उन्होंने उत्तर दिया, आईएएस के लिए चयन प्रक्रिया में अधिकतम सवा साल लगता है, मेरा साफ मानना है कि इससे कम ही समय किसी भी पद पर भर्ती की प्रक्रिया में लगना चाहिए, अब आयोग न्यूनतम समय में भर्ती की प्रक्रिया पूरा करेगा, जिन पदों के लिए कम अभ्यर्थी होंगे उनकी ऑनलाइन परीक्षा कराने पर भी विचार करेंगे। अपने अगले प्रश्न, राजपत्रित अफसरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के बड़ी संख्या में मामले लंबित है, इस पर उन्होंने कहा कि जी मुझे भी ऐसी जानकारी मिली है कि राजपत्रित अफसरों में पीसीएस से लेकर इंजीनियर तक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए सहमति देने संबंधित बड़ी संख्या में मामले जानबूझकर आयोग में दबे हुए हैं, ऐसे सभी मामलों की विभागवार सूची बनाकर उन्हें एक माह में ही निस्तारित करने की कोशिश कर रहेगी। अध्यक्ष के बाद निशाने पर आए हैं आयोग के सचिव, छात्रों ने सचिव के खिलाफ कार्रवाई को सीएम को लिखा पत्र, अवकाश के दिन परिणाम जारी करने पर की है नाराजगी। यहाँ आप देख सकते हैं सचिव जगदीश खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार पूर्व परीक्षा नियंत्रक अंजु कटियार का बचाव कर रहे हैं, वहीं आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि सारी परीक्षा प्रक्रिया नियमानुसार हुई है, धांधली का आरोप मनगढ़ंत है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो अब है निशाने पर सचिव। पीसीएसजे 2018 परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने सोमवार को हस्ताक्षर अभियान चलाया, आयोग में चल रहे पीसीएसजे का साक्षात्कार बंद करने के लिए अधिवक्ताओं, शिक्षकों, छात्रों का हस्ताक्षर लेकर उनसे समर्थन मांगा, हस्ताक्षर अभियान सप्ताह भर चलता रहेगा और अलग अलग वर्ग के लोगों का हस्ताक्षर लेकर अभ्यर्थी उसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री व आयोग के नए अध्यक्ष को भेजकर उन्हें परीक्षा प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी से अवगत कराकर सारी प्रक्रिया पुनः शुरू करने की मांग करेंगे, यानी पीसीएसजे को निरस्त करने का प्रयास अभी भी चल रहा है। अगली खबर में पीसीएस 2018 के अभ्यर्थियों ने 3 अतिरिक्त अवसर की मांग की है। पीसीएस 2018 में शामिल जो अभ्यर्थी अगली परीक्षा के लिए ओवरएज हो रहे हैं उन्हें उत्तर प्रदेश
लोक सेवा आयोग से मांग की है कि उन्हें आगामी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए 3 अतिरिक्त अवसर दिए जाए। ज्ञापन में कहा गया कि पीसी 2018 की मुख्य परीक्षा का पैटर्न बदलने के कारण अभ्यर्थियों की तैयारी प्रभावित है। अभ्यर्थियों ने संघ लोक सेवा आयोग का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 1997 में अब सिविल सेवा परीक्षा का पैटर्न बदल गया था, तो सभी अभ्यर्थियों प्रतियोगियों को 3 अवसर प्रदान किए गए थे। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाएं 18 फरवरी से होंगी। 20 से 25 अप्रैल के बीच घोषित होगा रिजल्ट। महीने के अनुसार पाठ्यक्रम में हुआ विभाजन। यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटर परीक्षाएं 18 फरवरी 2020 से शुरू होंगी। हाई स्कूल की परीक्षाएं 3 मार्च और इंटर की परीक्षाएं 6 मार्च को खत्म होंगी। जुलाई में शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही दिन डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शैक्षणिक पंचांग घोषित कर दिया। इस बार बोर्ड की परीक्षाएं पिछले साल के मुकाबले और कम कार्य दिवस में खत्म हो जाएंगी। मूल्यांकन का समय भी 15 दिन से घटकर 10 दिन कर दिया गया है। इसके लिए मूल्यांकन केंद्र और परीक्षकों की संख्या बढ़ाई गई है। रिजल्ट 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच घोषित कर दिया जाएगा। कार्यक्रम वेबसाइट जो आप देख सकते हैं पर उपलब्ध है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि इस बार 5 लाख अभ्यर्थी बोर्ड परीक्षा में बढ़ेंगे। पिछले सत्र में 50 लाख अभ्यर्थी थे, इस बार 55 लाख होंगे। परीक्षा के कार्य दिवस घटाए गए हैं। पिछले सत्र में हाई स्कूल की परीक्षा 14 दिनों में खत्म हुई थी, इस बार 12 दिनों में खत्म होगी। इंटर की परीक्षा बीते साल 16 दिनों में खत्म हुई थी, इस बार 15 दिन में खत्म होगी। मूल्यांकन में भी 5 दिन कम कर दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 में 210 कार्य दिवस पढ़ाई हो, इस पर सख्ती कर की जाएगी। अगली न्यूज़ में आज है खग्रास सूर्य ग्रहण पर दिखाई नहीं देगा। रात 10:25 बजे होगी शुरुआत और 4:31 बजे मिलेगा मोक्ष। दान करने पर मिलेगा लाभ। आशुतोष वैष्णव के मुताबिक भले ही देश में ग्रहण दिखाई ना दे, लेकिन अमावस्या होने के कारण इस अवधि में दान करने से लाभ प्राप्त होगा। अमावस्या व सूर्य ग्रहण चाहे कहीं भी लगे, अगर सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान किया जाए तो अनिष्ट ग्रहों की पीड़ा से व्यक्ति को राहत मिलती है। सूर्य ग्रहण का राजा सूर्य ग्रहों का राजा है, इसलिए लाल वस्त्र, सेब, गेहूं, गुड़, लाल मिष्ठान आदि का दान करने से अनिष्ट पीड़ा का निवारण होता है। अमावस्या पितरों की तिथि है, इस तिथि पर दान करने से उनका अंश पितृ ग्रहण करते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अब 44 होंगे सरकारी विभाग। महकमों का विलय कर बनेंगे 27 नए विभाग। 17 विभागों का बनाया जाएगा मूल स्वरूप। यथावत रहने वाले विभाग देखे ये होंगे: मुख्यमंत्री कार्यालय, आवास एवं शहरी नियोजन, निजी उद्योग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, सहकारिता, लोक निर्माण, परिवहन, सूचना, कारागार, प्रशासन व सुधार, निर्वाचन, चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, संसदीय कार्य, विधान परिषद सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, श्रम, खाद्य एवं रसद, उपभोक्ता संरक्षण तथा बाट एवं माप। सूबे में सरकारी विभागों की संख्या घटकर 44 होने वाली है और नीति आयोग के सुझाव पर राज्य सरकार विभागों में पुनर्गठन प्रस्ताव को अंतिम रूप देने जा रहा है। पुनर्गठन के प्रस्ताव के तहत 17 विभागों का मूल स्वरूप जहां बरकरार रखा जाएगा, वहीं अन्य विभागों का विलय कर 27 नए विभाग बनाए जाएंगे। सेवा नियमावली के अनुमोदन का है इंतजार। क्या है पूरी न्यूज़? राजकीय लिपिक बनने की रही मांग। परिषदीय लिपिक लंबे समय से राजकीय लिपिक बनाए जाने की मांग कर रहे हैं ताकि वह आसानी से बीएसए कार्यालय में रह सके, साथ ही सुविधाएं भी हासिल हो। लेकिन इसमें पेच यह है कि राजकीय लिपिक का दर्जा मिलने पर परिषद शिक्षक के पाले को इस पद पर नियुक्ति नहीं मिल सकेगी। कैसे बनते हैं परिषदीय लिपिक? परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा काल में मृत्यु हो जाती है, उनका पाल्य यदि इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है तो उसे लिपिक पद पर तैनाती दी जाती है। अधिकांश पदों पर मृतक आश्रित ही तैनात होते रहे हैं। लिपिकों के तबादले ध्यान में रख बनी है सेवा नियमावली। प्रदेश भर में 850 कर्मचारी अभी तक बीएसए दफ्तर में ही थे तैनाती।
अगली न्यूज़ एलटी ग्रेड से संबंधित है। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। प्रिंटिंग प्रेस की जांच, पीसीएस 2015, आरओ एआरओ 2016, प्रारंभिक परीक्षा का पेपर हुआ था आउट। एलटी ग्रेड शिक्षा भर्ती परीक्षा के पेपर आउट मामले में एसटीएफ के शिकंजे में आई प्रिंटिंग प्रेस की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। सीबीआई को गिरफ्त शिकायत मिली है कि वह जिस कार्यकाल में आयोजित परीक्षाओं की जांच कर रहे हैं उसमें से कई परीक्षाओं के पेपर इसी प्रिंटिंग प्रेस में छपे थे। यहां एलटी ग्रेड शिक्षा भर्ती परीक्षा के पेपर छापे गए थे। सीबीआई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से मार्च 2012 से अप्रैल 2017 तक आयोजित परीक्षाओं की जांच कर रही है। सीबीआई को कुछ दिनों पहले शिकायत मिली थी कि जिस प्रिंटिंग प्रेस में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर छपे थे उसी प्रेस में मार्च 2012 से अप्रैल 2017 के बीच आयोजित की परीक्षाओं कई परीक्षाओं के पेपर छापे गए। शिकायत में ये भी कहा गया कि पीसीएस 2015 और आरओ एआरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर आउट हो गया था और पूरी आशंका है कि इन दोनों परीक्षाओं के पेपर दागी प्रिंटिंग प्रेस में छपवाए गए थे। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। वहीं एसटीएफ पहले से ही मामले की जांच कर रही है। इसमें इनके पास पीसी 2018 की मुख्य परीक्षा के पेपर भी पाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अब जाँच कर रही है कि मार्च 2012 से अप्रैल 2017 के बीच किन किन परीक्षाओं के पेपर इस प्रिंटिंग प्रेस में छपवाए गए हैं और इनमें से किन परीक्षाओं के पेपर आउट होने की शिकायतें आई हैं। तो ये थी जानकारी आज की प्रमुख खबरों की। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ।